से आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल देर रात कुछ लोगों ने भाजपा नेता ब्रजपाल तेवतिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। फायरिंग में भाजपा नेता और उनके गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों की स्थिति काफी नाजुक है। फिलहाल उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी के लिए संघर्ष वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी ने बताया कि ब्रजपाल तेवतिया पर दो अलग अलग गाड़ियों से आए लोगों ने अचानक हमला किया। जवाब में तेवतिया के अंगरक्षकों ने भी काफी देर तक फायरिंग की। इस घटना में कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी लगा के इनके ऊपर फायर किया गया था और उसमें जो तेवतिया जी है उनको गोली लगी है और उनके साथ में जो लोग हैं उनको भी कुछ गोली के चोटें हैं और कुछ शीशे टूटने के चोटें हैं और कुछ बुलेट के रिकोचिट होके लगने वाली इस तरह की चोटें हैं। तो इन सबको अस्पताल लेके गए हैं और वहाँ पे इलाज चल रहा है इनका। और तेवतिया जी को क्योंकि उनका कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल था तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके फॉर्चून हॉस्पिटल नोएडा शिफ्ट किया गया है। और अभी हमने खबर लिया है वहाँ से, तो डॉक्टर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पे उनकी कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भाजपा नेता पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की है। यूज ऑफ द ऑटोमेटिक वेपन्स व्हिच हैज बीन यूज्ड प्रोबेबली द AK-47 हैज बीन यूज्ड एंड द नंबर ऑफ बुलेट्स व्हिच हैज बीन फायर्ड ऑन दीस पीपल ही ऑलरेडी हैड सिक्योरिटी पर्सनल विद हिम। इट सीम्स दैट देयर इज नो फियर इन द माइंड ऑफ द क्रिमिनल्स एंड दे वर serious kinds of criminals. They have used these automatic weapons, probably AK-47 or so, and his life is in danger. He has got a lot of blood loss and he is at present in a state of shock and coma.